जब रानी को ये पता चला, जिस औरत को उसने बेइज्जत करके अपने देश से बाहर निकाल दिया, वो वही औरत है जिसके एक आशीर्वाद से उसका राजपाट, सुंदरता, दौलत, शोहरत सब वापस आ सकती है, तो रानी को अपने किए पे पछतावा हुआ। रानी ने पैर पकड़ के उस औरत से माफी मांगी और फिर कभी किसी के साथ ऐसा न करने का वचन दिया। Now tell me, what is the moral of the story? The moral of the story is आपका प्रोजेक्ट हिंदी में है ना? ओह हाँ। कहानी का मॉरल ये है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग हमारे माता पिता के समान होते हैं और माता पिता भगवान का रूप होते हैं। अगर हम उनका दिल दुखाएंगे तो हम भगवान का दिल दुखाएंगे। क्या बात है, दैट नोट, गिव मी अ हाई फाइव, वेरी नाइस। पापा आइडिया, हाँ, मैं ना इस कहानी के ऊपर एक पपेट शो बना लेती हूँ। के रिया के पास ना ऑलरेडी पपेट डॉल्स है, वेरी नाइस। और मेरी फ्रेंड अतुलिया है ना, वो बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। क्या बात है, बस काम सॉल्व हो गया आपका। अच्छा जा रही हो, जाते थे ब्रेकफास्ट करती हुई जाओ। पापा भूख नहीं है। अरे दूध पी के जाओ। अगर रोई अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस पे निकल गई तो वो रात तक नहीं आएगी। तो? एक तो उसकी मॉम ने उसे मोबाइल तक नहीं दिया। अरे अरे सुनो तो, बाद में कर लूंगी। अरे बाया जरा सावकाश। ये लो आजकल के बच्चे ना। क्या बात है, आज बाप बेटी सवेरे सवेरे ही उठ गए। बस अच्छा बेटा, आज समीरा को ऑफिस जाना है? हाँ बस अभी 10 मिनट में उठती होगी। बेटा नाश्ता जाओ दे, मिस भक्ते। बेटा कॉफी। चाबियां, इतनी सारी चाबियां। समीरा। हाँ। अरे अपने दादाजी की संदूक की चाबी कौन सी है? मुझे कैसे पता होगा यार, अभी 200 साल पुरानी चाबियों का रिकॉर्ड थोड़ी ना रखूंगी मैं। एक एक करके लगा के देख लो ना, जो लग जाएगी वही है। और वैसे भी वो अपने नहीं, तुम्हारे दादाजी का बॉक्स है। ठीक है ठीक है, तुम रिलैक्स मारो यार, सुबह सुबह कहाँ तुम मूड खराब कर रही हो अपना। हद होती है काम चोरी की, अपने काम की तो कोई टाइमिंग है नहीं, और जिनकी है उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पंडित जी, जी पंडित जी, जी पंडित जी, कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों के बाद फोन किया आपने। हवन, जैसा आप कहें पंडित जी। जी जी, फिर हवन तो आपके हाथों से ही होगा पंडित जी। आप जानते हैं ना कि मैं आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आपका ही तो आशीर्वाद है ना पंडित जी, जो आज मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सो मच पंडित जी। ठीक है, ओके जी। फाइनली चाबी लग गई। फोन। हेलो बेला। अरे हाँ शर्मा जी। ओ बेला। एक मिनट एक मिनट,
मैं बाहर आके क्या कॉन्ट्रैक्ट म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? अरे तो गुड न्यूज है सर, कमाल हो गया। ओ बेला जी। हाँ हाँ बेटा आवाज दी। कपड़े अन हो गए? हाँ हाँ हो गए हो गए। तो लेकर आओ ना, मेरा मुँह क्या देख रही हो खड़ी होकर। हाँ लाती हूँ लाती हूँ। और हाँ सुनो, हाँ वो मेरा ब्रेकफास्ट भी लेते हुए आना, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है ठीक है। और प्लीज थोड़ा जल्दी लेकर आना। हाँ ये क्या है? हाँ क्या है ये? हाँ क्या है ये? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। एक साल हो गया है तुम्हें यहाँ काम करते हुए और एक कपड़ा तुमसे ढंग से प्रेस नहीं होता है। 10,000 सैलरी देती हूँ मैं तुम्हें और ये क्या है? हाँ अंडों में तुमने फिर से काली मिर्च डाल दी। एक साल से काम कर रही हो फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि मैं काली मिर्च नहीं खाती हूँ। उठाओ इसे और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ, इससे पहले कभी डांट नहीं खाई क्या तुमने? ऐसे जड़मुरत बन के क्यों खड़ी हुई हो? कोट मारा है मुंह पे बॉस, कोई पत्थर नहीं मारा है, ऐसे क्या देख रही हो? जाओ उठाओ इस कोट को और इसे प्रेस करके लाओ। खड़ी क्यों हो? आरती उतारू क्या मैं तुम्हारी? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी नए क्लाइंट से और तुमको आज ही के दिन मेरा टाइम खराब करना था? बूढ़ी समझकर तुम पर तरस ना खाया होता ना मैंने तो आज मेरा ये टाइम वेस्ट नहीं होता। ओ अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे बस दिखा दिया तुमने अपना रंग। तुम जैसे नौकरों की ना यही प्रॉब्लम होती है, काम के लिए इतना सा क्या टोक दिया, नखरे दिखाना शुरू कर दिया तुमने मुझे। एक दिन के लिए भी अगर तुम्हारी सैलरी इधर से उधर हो जाए ना तो तुम लोग पूरा आसमान सर पर उठा लेते हो। बस करो समीरा, फिर से शुरू मत हो जाओ तुम। फिर से मतलब? अब तुम मुझे बताओगे इन नौकरों से कैसे बात करनी है? समीरा चाबी टूट गई। मेरी मैडम घर से मत निकली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कब से। आईटी वालों ने रेड कर दिए, मनी करके नहीं रिटर्न करते हैं। सारा माल जब्त कर लिया मैडम, सारा पेपर जब्त कर लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? How is it possible? Oh my God! क्या हो गया? समीरा? क्या हुआ? वो सो रहा हूँ। हेलो हेलो मैम, हेलो मैम, आप सुन रही हैं? हेलो शिवम। पापा पापा, हमने ना डिसाइड किया है कि उस क्वीन को कभी माफी नहीं मिलेगी। वो उसका ना सारा राजपाट खत्म हो जाएगा और उसको अपने देश के लोग बाहर निकाल देंगे। उसकी किस्मत का ताला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कैसा लगा पापा? कहते हैं कि सम्मान देने से किसी का कुछ नहीं जाता और अपमान देने से किसी का कुछ रहता नहीं।